वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी योर ब्यूटीफुल फेसेस अगेन। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप फोटोशॉप में सबसे इजी तरीके से बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा ही इजी तरीके से। बाय द वे, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर अभी फोटो देख सकते हैं, ये गाड़ी है यामाहा की R1 सुपर बाइक है, एक नंबर की गाड़ी, मेरी ड्रीम कार है, सॉरी मेरी ड्रीम बाइक है, 1000 cc की है कुछ तो भी, एंड 180-190 हॉर्स पावर, एक नंबर गाड़ी, कतई खतरनाक। बाय द वे, मैंने इसकी फ़ोटो नहीं निकाली है, मैंने इसे डाउनलोड किया है pixels.com से, जहाँ पे आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रही फ़ोटो, अगर इस पे मेरा कॉपीराइट आ गया तो मेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लेना है। मैं थोड़ा सा लाइन के उस पार चला गया था। बाय द वे, आई एम अ बिग 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 बाइक फैन। तो आपको सबसे पहले, सॉरी फॉर दैट हॉर्नी हॉर्न, सबसे पहले आपको फ़ोटो को डुप्लीकेट कर लेना है। मैं हमेशा अल्ट्रा दबा के इसको ड्रैग डाउन कर लेता हूँ, मुझे वो पसंद है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप कंट्रोल जी भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगी। और अगर आप मैक यूज़र है तो कमांड जे भी काम करेगा शायद। आई हैवंट यूज मैक टिल नाउ। सो उसके बाद आपको फ़ोटो को डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाना है। अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे या फिर कहीं तो भी नहीं दिख रही, तो आपको लेयर को सिलेक्ट करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई गेस। उसके बाद आपको विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में ये देखिए, प्रॉपर्टी को आपको यहाँ से एनेबल करना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखा है। सो यहाँ पे अगर ये ऐसा रहा तो यहाँ पे क्विक एक्शन में ये ट्रांसफॉर्म भी है, यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट भी है। सो ये रहा क्विक एक्शंस में, ये पता नहीं ये नीचे क्या कर रहा है, बाद में ग्लिच हो गया होगा शायद। सो आपको यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड जस्ट एक बार क्लिक कर लेना। अरे काम नहीं किया, अरे नहीं, क्योंकि सेम लेयर नीचे भी अवेलेबल थी। सो ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वन ऑफ द इजी वे है करने का। सो उसके बाद आपको इम्प्योरिटीज़ इसकी क्लीन करने के लिए आपको कीबोर्ड में टाइप करना पड़ेगा बी, यानी कि ब्रश। उसके बाद आपको फोरग्राउंड कलर में आपको रखना पड़ेगा वाइट। और ये जो फ़ोटो है उसके बाजू में ये जो लेयर मास्क है, इसको ले जाके आपको ऐसा जहाँ पे इसने भी गलत तरीके से सिलेक्ट किया है, यानी कि जैसे ये सीट के पीछे फेंडर खैर, ब्रश को आपके अकॉर्डिंगली सेट करके ऐसे ऐसे ब्रश करना है। अब वीडियो में दिखाने के लिए मैं काफ़ी रफ तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना टाइम लीजिएगा। ये जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इसने खा लिया, बी दबा दिया, फिर से ऐसे 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 थोड़ा सा ऊपर आ गया, लेकिन कोई ना, वीडियो के लिए चलता है। सो ये हो गया, अगर आपका वो वैसा हो गया है तो। अब उसके बाद ये तो गाड़ी है नहीं, यहाँ पे क्या है, तो आपको फिर से वो लेयर मास्क को सिलेक्ट कर गए, बी दबा के आपको इस बार ब्रश साइज अपना, लेकिन इस बार आपको फोरग्राउंड में ब्लैक कलर लेना पड़ेगा। ब्लैक कलर दबाए और दैट्स रियली गॉन। और अगर कुछ इस तरह का आता है तो आप पेन टूल से पहले मास्क ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मैं फोटोशॉप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ ही नहीं करता। तो आपको सबसे पहले कीबोर्ड में प्रेस करना पड़ेगा ई, और ई के बाद ये इरेजर टूल, इट्स गॉन। जो चीज़ आपको डिलीट या रिमूव करनी है फोटो में से, उस पर ऐसा क्लिक करते जाने का, दैट्स इट। ये देखिए, जैसे कि टायर्स के बीच में, सॉरी ये स्पोक्स के बीच में इसने काफ़ी बेकार क्वालिटी का जॉब किया था ये यहाँ पे। सो ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ पे इम्प्योरिटीज़ है वहाँ पे आपको ऐसे जस्ट स्पेस मारना भूल गया था मैं, बस ऐसे ऐसे करते जाने का।
ऑल दो मैंने वीडियो के लिए इतने ज़ोर से किया है, वरना मैं अच्छा काम करता हूँ, कभी कभी नहीं करता। तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक जाने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक कर दें वीडियो के। हैव अ ग्रेट डे गाइस, सी यू सून।